तो एक्टिंग देखो, एयरपोर्ट के बाहर पैर आपने रखा नहीं कि आपके अंदर राखी सावंत आ गई। आप वहां गई थी फातिमा बनके, बहुत अच्छी बात है। आप फातिमा को आगे लाइए, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं। आपका नया नाम जो फातिमा है, मैं भी, मुझे भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी बात है फातिमा बने हो। लेकिन जैसे एयरपोर्ट के बाहर आई, राखी सावंत अंदर आ गई आपके, तो ये सब ना करो। 4 दिन की चांदनी बन के मत रहना। जो धर्म को अपनाया है उसमें अच्छे से रहना, इस बार कम से कम रूल फॉलो करना। फिर उन्होंने कहा वेले, एंड एक कोई तो वर्ड यूज़ किया था, फुकरा शैतान, फुकरे। अब मुझे नहीं पता है फुकरे का मीनिंग क्या होता है, मैं नहीं जानती फुकरा वर्ड क्या होता है। राखी सावंत को पता होगा फुकरे वर्ड का मीनिंग। और उन्होंने कहा कि शैतान के बच्चे, कि इन शैतान के बच्चों के बारे में हमें कुछ भी ना पूछो। तो राखी सावंत, आप अपने आप को अल्लाह की बच्ची समझती हो? गुड। अब जैसे आप उमरा करके आई हो, आप अपने आप को अल्लाह की बच्ची समझती हो ना, तो कुछ तो सीख के आई होगी वहाँ पे, कुछ सिखाते ही होंगे। मतलब लोग जब जाते हैं कुछ अपना छोड़ के आते होंगे ना, कि भाई मुझसे ये गुनाह हुए हैं, मैं आज के बाद ये गुनाह नहीं करूँगी। तो आप क्या छोड़ के आई हो? मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप वहाँ जाके झूठ छोड़ के आई हो। तो थोड़ा सामने आइए, सच बोलिए। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी मुद्दे वाली थी जो ये कह, यस, उम्रा करके आई हो तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात ये मत रहना। जैसे आप लोगों को दिखा रही हो कि मैं उम्रा करके गई, उम्रा करने गई थी, मैं उम्रा करने गई थी। जिस तरीके से कल आप बाहर आई हो एयरपोर्ट से, आप जो दिखा रही थी कि पता नहीं कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी आप, कि ये लोग क्या कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। जैसे न जाने आप कहाँ, वो लोग जाते हैं ना, साधु संत जाते हैं, तपस्या करते हैं, फिर आके हरकतें करते हैं, ऐसा आपने वहाँ कुछ नहीं किया था। आप सिर्फ मोबाइल पे ही थी वहाँ पे, आपने दुआ करने का शायद आपको टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि केवल आप वहाँ पे मोबाइल पे थी। तो एक्टिंग देखो, एयरपोर्ट के बाहर पैर आपने रखा नहीं कि आपके अंदर राखी सावंत आ गई। आप वहाँ गई थी फातिमा बनके, बहुत अच्छी बात है। आप फातिमा को आगे लाइए, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं। आपका नया नाम जो फातिमा है, मैं भी, मुझे भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी बात है फातिमा बने हो। लेकिन जैसे एयरपोर्ट के बाहर आई, राखी सावंत अंदर आ गई आपके, तो ये सब ना करो। 4 दिन की चांदनी बन के मत रहना। जो धर्म को अपनाया है उसमें अच्छे से रहना, इस बार कम से कम रूल फॉलो करना। अच्छा, राखी की डुअल आइडेंटिटी के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया में दो आइडेंटिटी नहीं रह सकती सिंगल पर्सन के पास। तो राखी सावंत अभी भी कह रही है मेरा नाम राखी सावंत है, कल जब मीडिया ने उनसे पूछा। और लेकिन जब इस्लामिक धर्म में हम रिलीजन में पूरा प्रॉपरली कन्वर्ट होते हैं तो उन वो एक इस्लामिक नाम होना चाहिए, बट वो राखी सावंत भी और फातिमा भी है, तो इस वजह से उमरा करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप, क्योंकि इंडिया में ड्यूअल नाम तो नहीं रह सकता, सिंगल आइडेंटिटी होनी चाहिए सिंगल बंदे के। अच्छा, अगर ऐसा है, मुझे हालांकि नॉलेज नहीं है, मेरा होमवर्क नहीं है इसमें, तो ठीक है। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए अगर उनके पास कितने आइडेंटिटी है। दो आइडेंटिटी के साथ इंसान नहीं सर्वाइव कर सकता है, वहाँ पे अलाउड ही नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, तो आ जाएगा सब कुछ सामने। अच्छा, काफ़ी घिनौना इल्ज़ाम भी लगाया था आपके ऊपर राखी ने, आदिल और आपके रिश्ते को लेके, एक दोस्ती के रिश्ते को लेके। हाल ही में कल रक्षाबंधन था तो आपने एक तमाचा सा रख दिया था लोगों के आगे, जो कह रहे थे लोगों को, मतलब आपके ऊपर ब्लेम उठा रहे थे। इस बारे में क्या कहना चाहोगी, क्योंकि ये कुछ अलग ही था कि वो कुछ और पोर्ट्रेट कर रही थी आप दोनों को और आपने डायरेक्ट ही जवाब सबके सामने रख दिया। ये सब कुछ जो हुआ है इसको ना, मैं आपको बहुत शॉर्टकट बताना चाहूँगी, क्योंकि इसका मैं खुलासा बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ विद द जनता बाइट। तो थोड़ी सी ही बात करना चाहूँगी। अब तो आदिल मेरा भाई है, अब तो मैं हक से खड़ी हूँ आदिल के साथ। प्रॉपर सपोर्ट है अब तो। बिल्कुल, भाई बहन को सपोर्ट करेगा और बहन भाई को सपोर्ट करेगी, पर किसी भी गलत तरीके से नहीं, जो रियल है वैसे, जैसे मैंने राखी को किया था ब्लाइंड ट्रस्ट, उनके साथ खड़ी थी उस तरीके से नहीं। राशि, एक और बात कहना चाहेंगे कि काफी दिनों से आप लोग का एक सिलसिला चल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें आप लोग अपनी गवाही पेश कर रहे थे।
अब राखी आ गई है, काफी एलिगेशन लगाने वाली है आप सभी के ऊपर, तो वो चीज को कैसे आप फेस करने वाले हो, अभी कैसे टकल करने वाले हो, उस चीज का कैसे जवाब दोगे आप? राखी के एलिगेशंस आने दीजिए, पहले भी उनके काफ़ी एलिगेशंस आ चुके हैं जिसके सबूत मेरे पास है, बट वो सबूत में राखी कोई जज नहीं है, राखी का कोई खुद का कोर्ट नहीं है, जहाँ देने हैं पुलिस स्टेशन में, और जब आगे और बात जाती है जहाँ देने मैं वहीं पे सबूत दूंगी। और राखी के नए एलिगेशंस, राखी से और उम्मीद ही क्या कर सकते, सिर्फ एलिगेशंस एलिगेशंस एंड एलिगेशंस, झूठ झूठ झूठ, ये है रियल राखी। वो जो राखी कहती है ना कि मैं एंटरटेनमेंट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। राखी का दूसरा नाम झूठ और राश्री का दूसरा नाम है सच। तो अच्छा, काफ़ी आपके लाइक वीडियोस जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, आपके जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, जितनी भी आपकी बाइट है, उसके अंदर लोग काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, तो उस बारे में ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे, जो आपको फैंस आपके सपोर्ट कर रहे हैं? और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखें, जो इंसान सच बोलता है ना, पता चल ही जाता है। सिर्फ 5 मिनट अगर आप किसी के साथ बैठे या 10 मिनट का किसी का वीडियो आप देखें, आपको पता चल जाता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जनता से कुछ भी नहीं छुपा है, तो मैं इसके लिए थैंक यू कर बोलती हूँ आपको, तहे दिल से आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहे। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी, इतना मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं सिर्फ सच बोलूँगी। अच्छा, एक और बात है जाते जाते कि आपके जो बैकड्रॉप है उस पर काफ़ी राखी ने उठाया था सवाल कि ब्रांडिंग करते हैं जी हर एक इंटरव्यू में, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, अभी मैं कहाँ पे हूँ, मेरे नेल आर्ट स्टूडियो में जहाँ पे मैं काम करती हूँ। जैसे कि मैं बेरोज़गार नहीं हूँ, मैं काम करती हूँ, जहाँ मैं वहाँ मेरा ब्रांड। राखी जी, अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई बिजनेस किया होता तो आपको पता चलता, राखी उर्फ फातिमा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने ज़िंदगी में कोई बिज़नेस किया होता तो आपको बिज़नेस के रूल पता चलते कि काम कैसे किया जाता है, सिवाय यहाँ वहाँ जिम के नीचे भागने के अलावा। खुद का ब्रांड है, खुद तो प्रमोट। 100% मेरा ब्रांड है, मैं मेरे स्टूडियो में खड़ी हूँ तो मैं प्रमोट करूँगी। कोई बाहर से आके प्रमोशन करेगा, बाहर से आके क्यों कोई प्रमोट करेगा, मेरा ब्रांड है। यहाँ आप मेरा इंस्टा खोल के देखिए, कि ज़रूरी नहीं है कि मैं खुद खड़ी रह, ये सब कुछ हो रहा है इस वजह से मेरी ब्रांडिंग है। मेरा यूट्यूब देखिए, इंस्टा देखिए, फेसबुक देखिए, जहाँ भी होता है मैं मेरी एक फ़ोटो भी आती है तो मेरी ब्रांड के साथ आती है, और ये कोई कानूनी गुनाह नहीं है। इसमें कौन सा क्राइम है बाबा, हर कोई करता है, हर बड़ी बड़ी कंपनी करती है। छोटा सा जो रोड पे बेचारा सैंडविच वाला है ना, वो भी अपना नाम लगा के बैठा है वहाँ पे। मैं तो फिर भी इतना बड़ा स्टूडियो चला रही हूँ। ओके, फिर लास्टली ऑडियंस से कह दीजिए कुछ मैसेज। आंखें खोल के रखिए और कानों से सुनिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू।